सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूँ आपको प्लस 24/7 में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं निरोगी होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज बात करते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि लगभग यदि कहा जाए तो 40,000 पोस्ट खाली है वर्ग दो में। ठीक है, अब वर्ग दो में जो 40,000 पोस्ट खाली हैं तो नोटिफिकेशन कब आएगी सर? तो नोटिफिकेशन को आप ये यदि वेट करते रहोगे ना कि जब नोटिफिकेशन आएगी तब पढ़ाई करेंगे, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वही फिर जा करके फ़ायदा ले जाते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। अब आपको भी पता है कि आचार संहिता लगने वाला है। ठीक है, हो सकता है कल से ही आचार संहिता लग जाए या परसों से ही आचार संहिता लग जाए। फिलहाल जैसे राज्य सेवा की जो परीक्षाएँ हैं वो इससे बाधित नहीं होगी, चाहे आचार संहिता लगे चाहे कुछ भी लगे। ठीक है, तो देखने की बात होगी कि कब आती है, लेकिन आपको तैयारी ऐसे बना के रखना चाहिए कि जैसे आज ही आ जाए नोटिफिकेशन तो हमारी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन से पहले तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा, वो कहलाता है तैयारी। ठीक है, तो फिलहाल अभी वर्ग दो का नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसके बारे में क्लियर कन्फर्म आपको बता दूँ। लेकिन हाँ, जैसे मैं बोला कि वर्ग दो में 40,000 पोस्ट खाली हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जो अभी अपडेट निकल के आ रही है तो उसमें जैसे 40,000 लगभग तकरीबन 40,000 से ज़्यादा भी पोस्ट खाली बताए जा रहे हैं। अब उसमें जैसे 18 से 20,000 जो भर्ती है वैकेंसी, वो तो भर रहे हैं जो प्राथमिक शिक्षक, ठीक है, जाकर के माध्यमिक शिक्षक बन रहे हैं, या कि वर्ग तीन शिक्षक, वर्ग दो शिक्षक में बन रहे हैं, या कि फिर जैसे जो भी प्रमोशन होकर के, ठीक है, पदभार ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें 18 से 20,000 की समथिंग जो है आंकड़ा बताया जा रहा है कि इतने लोग प्रमोटेड होकर के और वर्ग दो में जगह ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद भी 20,000 पोस्ट रहेगी। ठीक है, तो 20,000 पोस्ट में मान के चलिए आप कितना भी कम तो 15,000 तो वैकेंसी निकाले गए। ठीक है, या कि इससे कम, 12-15 हज़ार से कम क्या वैकेंसी निकालेगा वर्ग दो के लिए? तो आपको फिलहाल वर्ग दो के लिए 12-15 हज़ार से मतलब नहीं है, आपको ये होना चाहिए कि हमें एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आप तो फिलहाल अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दें वर्ग दो के लिए, जो भी चाहते हैं। यदि अभी जो मेरा पिछला वीडियो उसमें आप यदि देखेंगे तो उसमें मैंने ये भी जानकारी दिया था जो अभी न्यूज़ निकल के आई थी कि लगभग जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी यदि कहा जाए तो वैकेंट पोस्ट किस पे है? इंग्लिश पे, सेकेंड नंबर पर मैथ पे। लेकिन ऐसा धारणा बना के यदि आप पढ़ेंगे कि जो जैसे उसमें बताया गया कि बायोलॉजी में बहुत कम पोस्ट है, तो आपको तैयारी ऐसा नहीं करना है। आपको ये करना है कि पोस्ट आएगी, हमें एक सीट से मतलब एक सीट की तैयारी हमें करनी है, क्योंकि माइट भी पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट बदलने के बाद हो सकता है कि उसमें भी वैकेंसी ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमें ये सोच के चलना चाहिए। अब ये बताइए, आप यदि चांस ले रहे हैं तो इस चीज़ के चांस लेंगे, पॉजिटिव चांस लेना चाहिए। ठीक है, नहीं कि निगेटिव चांस लेना चाहिए कि यार अपना तो होगा नहीं, कहा मतलब फालतू में मेहनत करने का, तो मेहनत आपका फालतू में नहीं जाएगा। आप जो भी तैयारियाँ कर रहे हैं, जैसे अभी रेलवे की भी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है, तो यदि आप वर्ग दो की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथ तो स्ट्रांग हो ही जाएगा, इसके अलावा इंग्लिश भी हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हालांकि रहेगा उसमें टोटल मैथ वाले में जैसे मैथ रहेगा, साइंस वाले में साइंस रहेगा, तो कोई एक सब्जेक्ट का तो आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो ही जाएगा। फिर इसके अलावा आप जनरल कंपटीशन में भी यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बीएड करने के बाद ये आपको एक प्रॉफिट होगा, बीएड चाहे कि आपका डीएलएड हो, कुछ भी हो, वर्ग दो और वर्ग तीन में जिस तरह से काम करता है। अब जैसे काफ़ी लोगों का कमेंट्स था कि क्या सर हम बीएड किए हैं अब हमें डीएड करना चाहिए, या कि क्या हम शुरू से ही अभी कुछ नहीं किए हैं तो डीएड ही करें, तो उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे विस्तार से बात करेंगे क्या करना चाहिए, क्या बीएड के बाद डीएड करें। ठीक है, या कि जो अति शिक्षक हैं उनको क्या करना चाहिए, वो यदि बीएड कर लिए हैं तो डीएड करें, या कि अभी कुछ नहीं किए हैं तो उनको डीएड करना चाहिए, या कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है तो उसके लिए विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मिलिएगा, उसी मैटर पर चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपडेट रहेगा, क्या सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस वर्ग में आएगी, वर्ग एक दो तीन में आएगी, ठीक है, क्या बेनिफिट रहेगा, तो विस्तार से बात करेंगे उस पर। लेकिन हाँ, हमारी मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।